ऑलराइट गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त नीता पांचाल और ये है आपका अपना एक्टर्स एंड वॉइस एक्टर्स डबिंग टिप्स शो। और जितने भी लोग डबिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, केम छो, आदाब। सो गाइस, मैं आज आपसे डबिंग रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि होता है और न्यू कमर्स के साथ ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब काम मिलता है तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चले जाते हैं स्टूडियो में, और जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं तो डायरेक्टली आप काम करते हैं। तो आपने ये पूछा नहीं अपने क्लाइंट से कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको वो कितना पे कर रहे हैं, नथिंग, आपने डायरेक्टली काम कर लिया। बट गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में जब भी आप काम करते हैं तो आपका ये फ़र्ज बनता है, हर डबिंग आर्टिस्ट का ये फ़र्ज बनता है कि वो सबसे पहले अपने क्लाइंट से ये पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितने उसे कैरेक्टर्स करने हैं, ओके, और उसे क्या पे किया जा रहा है। सो अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आपसे काम भी करवाया जाएगा, प्लस कि आपको इस चीज़ का पछतावा होगा कि मैंने पहले क्यों नहीं पूछा। आपकी उम्मीद है कि आपको मिले 100 रुपीज़, बट आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 10 रुपीज़। तो सी, आपकी जो मेहनत है, आपको आपकी मेहनत के पैसे तो मिलने चाहिए ना, राइट? सो गाइज, आप अगर पहले से पूछ लेंगे कि क्या है क्या नहीं है तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा होता है कि आप काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको आपके काम के मुताबिक पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरी ये तहे दिल से आप सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब कभी भी आप अपने काम पर जाते हैं तो आप प्लीज़ पहले सारी डील्स पक्की कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या वो आपको पे कर रहे हैं। सो ये आपके लिए अच्छा होगा और आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि आप सबकी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें, आपको अच्छी अच्छी ऐसी ही टिप्स आप सबके साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपके साथ ऐसी ही कुछ घटना घटी है तो प्लीज़ गाइस, आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। प्लीज़ आप हमें बताइएगा, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे। और कुछ प्रॉब्लम है कुछ भी रिलेटेड डबिंग, सो प्लीज़ गाइस हमसे शेयर कीजिए, उसके आंसर आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे आपके अपने शो में जो कि है वॉइस एक्टर्स एंड एक्टर्स डबिंग टिप्स शो। सो गाइस, मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, अलविदा, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, हंसाते रहिए, बाय गाइस।